इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई जो है 2022 है। तो अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आप तुरंत ही कर लें, क्योंकि अगर आप टाइम पे इसको फाइल नहीं करेंगे तो आपको भारी जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। वहीं इसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास एक नोटिस भी आ सकता है। वहीं नोटिस आने के बाद आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। वहीं इतना ही नहीं, कई और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अगर जुर्माने की बात करें तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी इनकम जो है वो सालाना 5 लाख से कम है तो 1,000 तक की पेनल्टी लगेगी। तो सबसे बड़ी परेशानी तब हो सकती है जब आप किसी चीज के लिए लोन अप्लाई करने जाते हैं बैंक में। जी हाँ, आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपका ITR जो है वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा जाता है। तो अगर आपने अपना ITR टाइम पे फाइल नहीं किया होगा, पेनल्टी होगी, तो आपको लोन मिलने में खासा दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं बैंक के साथ साथ अगर आप कोई भी बीमा यानी कि इंश्योरेंस लेने जाते हैं उसके लिए भी आपका ITR डॉक्यूमेंट जो है वो अनिवार्य होता है। तो अगर आपने टाइम पे ITR फाइल नहीं किया होगा तो आपको इंश्योरेंस यानी कि बीमा कवर मिलने में काफी परेशानी मिल सकती है। वहीं अगर आपने अपने ITR को टाइम पे फाइल नहीं किया होगा तो आपके बिजनेस एक्सपेंशन में रुकावट आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि आप जब भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो आपसे लगभग 2 से 3 साल तक का मिनिमम ITR रिटर्न जो है वो मांगा जाता है। तो आप अपने ITR को टाइमली फाइल करें ताकि इन सब परेशानियों से आप दूर रहें। तो बैंक से लोन लेना हो या फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो या फिर म्यूचुअल फंड क्यों ना लेना हो, ये जो ITR डॉक्यूमेंट है वो हर जगह आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपने टाइम पे इसको नहीं फाइल किया तो तुरंत ही फाइल करें, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड लेने जाएंगे और आपको बैंक से नोटिस आ जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो है ना, ये ITR डॉक्यूमेंट बड़े काम की चीज़। तो अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तुरंत ही अपना ITR फाइल करें। वहीं से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।